आप लोगों को ये हरा भरा गार्डन कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। यहाँ पर आके लोग विश्राम करते हैं, बैठते हैं। अगर ये सोचिए वृक्ष नहीं होंगे तो लोग बैठेंगे कहाँ। तो ये शुरुआत हमें ही करनी है, क्योंकि आज की तारीख में ग्लोबल वार्मिंग और आज की तारीख में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन और इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। हर मेट्रो सिटीज़ में कल दिल्ली 50 डिग्री को क्रॉस किया है, कैलकाटा क्रॉस किया है, मध्य प्रदेश क्रॉस किया है, यूपी क्रॉस किया है। हमारे इंडिया की बहुत बहुत ही दयनीय हालत हो रही है टेम्परेचर के मामले में। तो हमें ये अवेयरनेस सब जगह फैलानी है, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने मित्रों में। सबसे रिक्वेस्ट करना है कि आप खुद ही पेड़ ना लगाएं, बल्कि औरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करें। ध्यान रखिए, पेड़ सिर्फ उतना ही लगाइए जितना आप उसकी केयर कर सकते हैं। दिखावे के लिए नहीं करना है, उसकी केयरिंग करनी है। और साथ ही साथ पेड़ों के साथ में पक्षियों का भी ध्यान रखना है। गर्मी बहुत है, उनके लिए भी दाना पानी की व्यवस्था, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे कबूतर आए हुए हैं, बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ आती हैं, उनके लिए हमने दाने पानी की व्यवस्था बराबर करके रखी है। और सिर्फ उनके लिए ही नहीं, आए राहगीरों के लिए भी पीने की पानी की व्यवस्था हम हर गार्डन में जाकर के ऐसे मटके रखे आते हैं। और इस मुहिम में हम सब जुड़े हैं। और मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो देखते ही कुछ ना कुछ स्टेप जरूर लें। और साथ ही साथ में एसआर नेशनल न्यूज़ चैनल वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने दो शब्द उनके सामने रख सकूँ। माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना देशमुख, मुंबई महाराष्ट्र से, फाउंडर ऑफ दरिया दिल मुंबईकर एंड प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय सैनिक संस्था महिला भी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।